जैसे आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया के जरिए लोग पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और आजकल के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, डिजाइनर है, हमारे माननीय मोदी साहब को भी वो के लिए भी उन्होंने सूट्स बनाए हैं, और तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स ही है, तो उन्हीं का ये क्रिएशन है, तो वो जो भी देते हैं मैं अंधा पहन लेता हूँ चुपचाप। जी बदापुर का प्रोमो देखा हूँ, इट्स वेरी गुड, और वरुण ऑफ कोर्स इज वन ऑफ आवर मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंटेड यंग एक्टर्स, और उनके डैडी से बहुत अच्छी, हम लोग जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी जमती हैं, एंड डेविड साहब इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन, एंड बोथ हिज पेरेंट्स बहुत बहुत प्यारे, बहुत फ्रेंडली हैं, और जब भी हम लोग जैसे कभी बार अवार्ड शोज में इंडिया के बाहर भी जाते हैं तो लंचेस किए हैं, मज़े आए, बहुत मज़ा आया, एंड वरुण इज वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट यंग स्टार्स। So, but what is the relationship that Bollywood celebrities attend to television to promote their movies on a platform just to conquer television audience, or there's something hidden also in that? नहीं, आई थिंक इट्स अ बेसिक लॉजिकल, जब आप प्रोमो करते हैं देन यू वांट टू रीच आउट, जब सॉरी जब आप एक फिल्म को प्रमोट करते हैं तो यू वांट टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, और टेलीविजन के जरिए आप मैक्सिमम लोगों को पहुंच सकते हैं, ग्राउंड इवेंट्स करते हैं तो अगर आप बहुत बड़ा भी ग्राउंड इवेंट करते हैं तो चार लाख लोग भी आ गए वहाँ, फिर भी 400,000 लोग हैं, लेकिन टेलीविजन के जरिए यू नो 400,000 लोग के पास आप जा सकते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों तक ये कि पहुंच गया है, क्या है सॉरी कॉल नहीं आपने देखा पहले तो जानना चाहूंगा नहीं उस पर नहीं करते लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं वहाँ कहाँ जाए यार, नहीं सोशल मीडिया भी आप जैसे आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया के जरिए लोग पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और आजकल के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, शायद टेलीविजन से ज़्यादा लोग सर्फ करते हैं या गूगल करते हैं जो भी उनको जानकारी हासिल करना है, या यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं 11-12 हो गए अभी, तो वो भी कई बार टीवी चल रहा है सामने लेकिन लोग अपने फ़ोन पर ही लगे हुए हैं, सो आई थिंक ये भी एक नया जनरेशन है, लेकिन साथ साथ ये बात भी आप नकार नहीं सकते हैं कि टेलीविजन की रीच एक कमाल की रीच है, और वहाँ एक जिस तरह से प्रोजेक्ट होता है एक छोटे से स्क्रीन पर, उस चीज़ को देखकर उतना मज़ा नहीं आता जितना आप टेलीविज़न पर आप देख सकते हैं उस चीज़ को, तो डेफिनेटली आज भी फिल्म प्रमोशंस हो या जो भी हो, टेलीविज़न हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रीच एंड अ वेरी पावरफुल रीच। आज की थीम बहुत खूबसूरत थीम है, मैं बहुत खुद को आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सरगम पार्टी चैंप्स, क्योंकि आज का जो माहौल है ज़्यादातर बहुत ही मतलब डीजे म्यूज़िक या इस तरह का ईडीएम म्यूज़िक का माहौल है, उसमें सारी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं यहाँ, मतलब कुछ भी ट्रैक पे सिस्टम नहीं है, जो भी बच्चे गाते हैं बिल्कुल हूबहू आप सुनते हैं उसको, तो एक आज हमारे बीच 16 टॉप इंडस्ट्री के टॉप वायलिनिस्ट्स हैं, और स्ट्रिंग्स पर आधारित जितने गाने हैं उन गानों को बच्चे गा रहे हैं, और लाइव स्ट्रिंग्स हो रही हैं, उनको माइक करना, उनको मतलब परफेक्शन के साथ टेलीविजन पर रखना साउंड के हिसाब से बहुत मुश्किल काम है, जो कि हो रहा है अभी, साउंड बैलेंसिंग हो रहा है, लेकिन ये मुश्किल चैलेंजेस हम ले रहे हैं, और ये मैं ऑनेस्टली जी टीवी को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि आज भी उन्होंने ट्रू रियल म्यूज़िक को जगा कर रखा है, जो हमारे फिल्मों में हमें सुनना नहीं मिलता, आजकल फिल्मों में भी लाइव म्यूज़िक बहुत कम हो गया है, सब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, वॉइस पर भी इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, वॉइस पर इतना ज़्यादा ऑटो ट्यूनिंग होता है कि वॉइस की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं मिलती, यहाँ आप जो भी आवाज़ें सुनते हैं सब लाइव है, रियल है, तो आई थिंक जी टी वी सरगम पा लिटिल चैंप्स इज़ द ओनली शो विथ रियल म्यूजिक टुडे। नहीं, ये बात सच तो नहीं है कि सिंगर्स की लाइफ कम है, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो आज भी अच्छा गा रहे हैं, कई सालों से गा रहे हैं, लेकिन हाँ आज स्टार बनना, इंस्टेंटली स्टार बनना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप एक या दो चीज़ भी ज़बरदस्त हिट हो जाती है तो यू आर ऑल ओवर द प्लेस, तो सोशल मीडिया का भी इसका ज़बरदस्त हाथ है कि आजकल लोग यूट्यूब हिट्स या इन चीज़ों को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कोई नहीं देख रहा है, एक दो चीज़ हिट हो जाती है तो आदमी सुपर हिट हो जाता है। सर एक ट्रेंड चला था कि कुमार का ट्रेंड, खान का ट्रेंड,
समय चल रहा है खान, सभी लोग अपने नाम के आगे खान लगा दे रहे हैं, तो इस पे आपका क्या क्या ये मायने रखता है कुछ? अगर ट्रेंड कहे तो खान का ट्रेंड बहुत लंबा चल रहा है, आई थिंक काफ़ी, आई थिंक ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए, तो इसे ट्रेंड तो नहीं कह सकते यहाँ, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे रूलिंग स्टार्स हैं वो खान से हैं, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।